नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन24 न्यूज में। मेरा नाम है सानिया। चलिए नजर डालते हैं बिहार की एक अहम खबर पे। पटना में नोटिस के बाद भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आंदोलन जारी है। प्रशासन द्वारा सेंटर पर नोटिस चिपकाए जाने से आक्रोशित आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने पुनपुन में सड़क पर उतरकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने छोड़ा आंसू गैस का गोला। सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 18,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका विधानसभा का घेराव करने पहुंची। बुधवार की दोपहर 1 बजे तक हजारों प्रदर्शनकारी गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए। भीड़ देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सचिवालय की तरफ जाने पर रोक लगा दी गई, फिर भी विधानसभा गेट तक पहुंच गई और नारेबाजी करने लगी। रोकने के बाद भी नहीं मानने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन पर काबू पाया। पटना जिला अध्यक्ष कुमारी रंजना यादव सहित 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उन्हें छोड़ा गया। बाकी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचा दिया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ पटना की सचिव मंजू कुमारी ने कहा कि हम सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग करते हैं तो सरकार पुलिस से लाठीचार्ज कराती है। आने वाले दिनों में प्रदेश की सभी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल कर जाएंगी। उधर सांसद पप्पू यादव भी आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के धरने में शामिल हुए। उन्होंने उनकी मांगों को जायज बताया। कहा, केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन राज्य सरकार बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दे रही है। हम और सुपौल की सांसद रंजीत रंजन लगातार संसद में जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका ममता आदि के मानदेय की बढ़ोतरी की मांग हम लगातार करते रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन24 न्यूज। धन्यवाद।